अस्सलामुअलैकुम, मैं चंदा इकबाल। चलें जी, आपको हम अपने घर का पिछला हिस्सा दिखाते हैं। ये देखें, ये घर के अंदर ही है। ये भैंस के चारा लगा हुआ है और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ऑरेंज के प्लांट्स हैं सारे। घर के हम लोग ऑरेंज इस्तेमाल करते रहते थे। ये सब्ज मिर्ची हैं। ये जो खाली ज़मीन है ये तैयार हो रही है आगे सर्दियों की सब्जियों के लिए, वो फिर इसमें लगाई जाएंगी। अभी कुछ दिन बाकी हैं, अभी सिर्फ ज़मीन तैयार कर रहे हैं। और ये सारा यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ट्रैक्टर से नहीं तैयार करते, बल्कि ये हाथ से ही हमारे सितार साहब जो है ना वो मेहनत करते हैं। अभी मैं उनको भी दिखाती हूँ इस मूवी में थोड़ा सा। ये हमारे सितार भाई चाय पी रहे हैं, इनकी चाय का टाइम हो गया। ये पानी, ये घर के अंदर जो खेत है उनसे ये छोटा सा ये पानी का सिस्टम बना हुआ है। ऐसे भी स्प्रे भी कर देती है या पानी का रुख ऊपर की तरफ। असल में हम लोग पसंद करते हैं देसी फूड और देसी चीज़ें। घर में ही मेरे जो हस्बैंड हैं इकबाल, वो सब्जियां वगैरह उगाते हैं। इस सारे सीज़न में हमने घर की सब्ज़ी इस्तेमाल की है, यहाँ तक कि सब्ज़ मिर्च, टमाटर, धनिया, पुदीना और बाकी भी सब्ज़ी। एक और बात है कि जब आप इस तरह बिल्कुल अपने घर में सब्ज़ी या कोई लहसुन प्याज बाकी फ्रूट खाने की एक दफ़ा आदत आपको हो जाए तो आप यकीन करें आपको फ़र्क पता चलेगा। आपका दिल चाहेगा कि घर में ही ये सारी चीज़ें हम उगाएं और इस्तेमाल करें। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि भिंडियाँ भी घर की, लहसुन भी, धनिया भी, प्याज भी, हर चीज़ जो है वो ज़रूरत की घर में ही उगाते हैं इकबाल। उनको बहुत अच्छा लगता है कि घर की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ साफ़ सुथरी। अगली बार इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि दूध ताज़ा कैसे आता है घर में हमारे माशाल्लाह, और फिर उसको मैं कैसे उसकी वो दही लगता है और कैसे फिर मक्खन और आगे से घी बनता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी।